यूट्यूब चैनल जोरिया समस्त दर्शक मन के स्वागत और मोर नमस्कार। कोविड 19 र कटकणा भितर आम देश रे अनेक श्रमिक आईन र परिवर्तन संशोधन केतेक स्थल रे बातिल आउ नुआ श्रमिक आईन माने त्याग के ई भितर भारत र न्यायालय भी श्रमिक मानकर समस्या के नहीं करी अनेक राय प्रकाश करिसन। गला एपिसोड रे आमे देखिथिलु जे केटा राज्य श्रमिक मानक दैनिक कार्य निघंट जेनटा थिला 8 घंटा काम करबाटा सेटा के 12 घंटा कर दिथिले, किंतु सुखर कथा जे गुजरात हाई कोर्ट सरकार से आदेश के बातिल कर देले। ए भितरे श्रमिक मानक सचेतना लागि जरिया अनेक श्रम आईन रो एपिसोड माने तैयार करिछे। ए भितरे गोटे श्रम आईन जेनटा कि कोठावाड़ी निर्माण श्रमिक आईन उपरे मान्यवर सुप्रीम कोर्ट जेन राय दीछन तार उपरे आलोचना करी श्रमिक माने सचेतन हेबारटा जरूरी बोली मुझे भावुछे। सेथिर लागि आज कोठावाड़ी निर्माण श्रमिक मानकर बाबदरे थिबा आईन आर सुप्रीम कोर्ट राय बाबदरे किछि कहमा। एंता तो भारत रे एबे पर्यंत 44 रु अधिक श्रम आईन अछे। अनेक श्रम आईन श्रमिक मानकर नियंत्रण करवाटा तांकर श्रमर शर्तावली निर्धारण करवाटा ई सब व्यवस्था अछे, किंतु कोठावाड़ी निर्माण कोठावाड़ी और अन्यान्य निर्माण श्रमिक आईन जेनटा अछे इटा गोटे भल आईनटे जेनटा कि श्रमिक मानकर आर्थिक सहायता सामाजिक सुरक्षार बाबदे बहुत गुरुत्व देछे। ये आईन कहुछे जे जेन श्रमिक माने कोठावाड़ी निर्माण रे बा अन्यान्य जेकोनसे निर्माण रे नियोजित अछन जेनटा घर तैयारी करवाटा इटा तैयारी करवाटा कारपेंटर राजमिस्त्री रेजा कुली पाइप मिस्त्री कलर देवा लोक इलेक्ट्रिशियन जेन जेन काम मान निर्माण क्षेत्र में दरकार है से मानके निर्माण श्रमिक रो मान्यता दिया है आम ओडिशा रे। आउ गोटे खुशी कथा जे आमर राज्य जेन निर्माण श्रमिक माने राज्य बाहर भी काम करछन जेनटा कि ईटा भाटी रे काम करछन बा कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट रे काम करछन से मानके भी ओडिशा कोठावाड़ी निर्माण श्रमिक रो मान्यता दे करी से आईन रो जेन जेन सुविधा अछे जेन सहायता मान अछे तार हकदार कर दिया है। ये आईन अनुसारे कोठावाड़ी अन्यान्य निर्माण रे नियोजित श्रमिक माने तांको गोटे निर्धारित फीस दे करी डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर पाके रजिस्ट्रेशन करबार लागि पड़सी। से माने रजिस्ट्रेशन हो सारा पर अनेक गुड़िए सुविधा से मानके मिलुछे जेनटा कि जदि मृत्यु हो गले से मानके कंपनसेसन मिलते स्वाभाविक मृत्यु 2 लाख टंका आउ जदि दुर्घटना जनित मृत्यु हेले 4 लाख टंका मिलुछे। प्रसवकालीन सहायता मिलुछे श्रमिक मानकर विवाह बा तांकर संतान मानक विवाह पाई आर्थिक सहायता व्यवस्था अछे तांकर छुआ मानकर पढ़ावार पाई भी आर्थिक सहायता व्यवस्था अछे। जंत्रपाति किनबार लागि श्रमिक मानके ट्रेनिंग देबार लागि श्रमिक मानके घर तैयारी करबार लागि से माने जदि कोनोसी रोगग्रस्त हेले तांकर पाई चिकित्सा खर्चा सरकार देबार पाई ई बहुत गुड़े सहायता व्यवस्था ई आईन रे अछे सेटा इटा गुड़े श्रमिक मानकर पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण आर बहुत लाभदायक आईन है। ई आईन बोलरे आमर अंचल रे बहुत गुड़े श्रमिक तांको रजिस्ट्रीभुक्त करछन अनेक श्रमिक नहीं भी करबार एबे जहाँ गुड़े परिसंख्यन रु जना पड़छे जे आमर ओडिसा रे प्राय 10 लाख रु अधिक रजिस्ट्रीभुक्त निर्माण श्रमिक अछे। निर्माण श्रमिक मान तो रजिस्ट्रेशन करे दोछन जते बेले आमर सुभाष सिंह थिले एटा चेयरमैन बोर्ड रो चेयरमैन सेते बेले व्यापक इटा सचेतनता सृष्टि हलार बहुत लोग ये आईन रे तांको निज निज रजिस्ट्रेशन करे नेले, किंतु एबे देखा जाउछे केटे असुविधा सम्मुखीन श्रमिक माने होछन जनता के श्रमिक माने तांको रिन्यूअल कला बिल के बहुत असुविधा होछे। वर्ष वर्ष धरि करि तांको रिन्यूअल ता नै हि पारबा तार कारण दर्शा जाउछे जे श्रम विभाग रे मानव संबल रो अभाव अछे श्रमिक मानकर भी सचेतनतार अभाव अछे। सेथिले बहुत श्रमिक माने आमर जिल्ला रे नुआपड़े कलाहांडी तांकर रजिस्ट्रेशन के रिन्यू नहीं करी पार्बा सेथिर लागि सरकार किछि गोटे तांकर व्यवस्था करबार कथा। आउ गोटे अभियोग सब बेले होउछे रजिस्ट्रेशन तो हो जाइए किंतु ई आईन रो सहायता पेला बेलके बहुत विलंब होउछे बा अहेतुक कारण दर्शे करी से मानकटा रिजेक्ट कर दिया जाउछे जेनटा कि आमर बलांगीर जिल्ला रे अनेक मृतक श्रमिक माने आवेदन करिछन श्रम विभाग पाखे जे तांकर मृतकालीन सहायता मिलु बोली करी
ସେନ୍ତା ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଛନ୍, ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାବାର ସହାୟତା ପାଇଁ ବି ଆବେଦନ କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ଆବେଦନ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକରି ଲେବର ଅଫିସ୍ନେ ପଡ଼ି ରହୁଛେ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ପଡ଼ି ରହୁଛେ, ତାର ସହାୟତା ମିଳିବାରଠି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛେ। ଇ ଆଇନ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆଇନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବାର ଲାଗି, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଆଇନର ଲାଭ ପାଇବାର ଲାଗି, ଯେତେବେଳେ ସହାୟତା ପାଇବାର ଲାଗି ଶ୍ରମିକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍, ସେତିକି ବେଳକେ ସେଇଟା ନେଇ ମିଳିପାରବା। ଏଇ ଆଇନରେ ଆଗରୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟିକ ଉପଚାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇଥାଏ, ଯେନ୍ଟାକି ଯଦି ଏମାନଙ୍କେ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛେ, ସହାୟତା ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛେ, ବା ଅହେତୁକର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କରି ତାଙ୍କର ଆବେଦନକେ ଖାରଜ କରିଦିଆ ହେଉଛେ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରବଧାନ ଏଇ ଆଇନରେ ନେଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ରେ ଯାଇପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ, ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କଥା ଯେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇ ଲକଡାଉନ ଆଗରୁ 18 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ଆଗତ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଦର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆକ୍ଟରେ ଯେନ୍ ଲାଭ ମାନେ ଥିଲା ସେଇଟା ପାଇବାରଥି ବିଳମ୍ବ ହେଲେ, ବା ସେ ଯେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବାରଥି ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖେ, ବେଲେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରତିକାରର ତା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ କେସ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଫ୍ ଲେବର ରାଜସ୍ଥାନ ଭର୍ସେସ୍ କେଶରୀଲାଲର କେସ୍ରେ ବିଚାର କରିକରି କହିଛନ୍ ଯେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେନ୍ମାନେ କି ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଦର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କର ଆକ୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ, ସେମାନଙ୍କେ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛେ, ବା କୌଣସି ଅହେତୁକର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କରି ଯଦି ତାଙ୍କର ଖାରଜ ହେଉଛେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏ କେସ୍ର ତାର ବିବରଣୀ ମୁଁ କହିଦେଉଛେ ଯେ ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ କେଶରୀଲାଲ ତାର ଝିଅ ବିହା କରିବାର ଲାଗି ରାଜସ୍ଥାନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ପାଖେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ସେ ଆବେଦନକେ କେତେ ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ଖାରଜ କରିଲା, ଯେ ଏ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଖାରଜ କଲା ଯେ ସେଠି ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସଠିକ୍ ନେଇଥାଏ, ଆର୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ନଥିପତ୍ର ବି ଠିକ୍ ନେଇଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ତାର ଆବେଦନକେ ଖାରଜ କରିଦେଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଶ୍ରମିକ କେଶରୀଲାଲ ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି ଅଦାଲତରେ ଆବେଦନ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନକେ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ଅହେତୁକର କାରଣ ଦେଇକରି ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି ଫୋରମ କହିଲା ଯେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କେ ସରକାରରୁ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଖାଉଟିର ପରିଭାଷା ଭିତରେ ନେଇ ଆସବାର, ସେଥିଲାଗି ସେ ଶ୍ରମିକର ଆବେଦନକେ ଖାରଜ କରିଦେଲା। ଶ୍ରମିକ ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି ବୋର୍ଡରେ ଆପିଲ୍ କଲା ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି ବୋର୍ଡର ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି ଅଦାଲତ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ, ଶ୍ରମିକ ଗୋଟେ ଫିଜ୍ ଦେଇକରି ତାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରେଇଛେ, ସେ ଗୋଟେ ଖାଉଟିଏ, ସେ ଗୋଟେ ଉପଭୋକ୍ତା ଏ, ଆଉ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ତାହାକେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେ। ସେ ରାୟ ଉପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରର ଜଏଣ୍ଟ ଲେବର କମିଶନର ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆପିଲ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ, ଆର୍ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 17 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ଗୋଟେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ ଯେହେତୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗୋଟେ ଫିଜ୍ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରେଇଛନ୍, ଆର୍ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଅଛେ ସେ ଫଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବାରଟା, ସେଥିର୍ଲାଗି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପଭୋକ୍ତା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଉଟି ଏ ଆଇନ ହିସାବରେ, ଆର୍ ଏ ଆଇନର ଯେନ୍ ସେବାମାନେ ଅଛେ ସେ ସେବା ଦେବାର ଲାଗି ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେ। ଜଏଣ୍ଟ ଲେବର କମିଶନ ତରଫରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକରି ମେମ୍ବରସିପ୍ ହେଉଛନ୍, ଆଉ ଏ ଫଣ୍ଡଟା ଯେହେତୁ ସରକାରର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସରକାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଏମାନେ ଖାଉଟି ଭିତରେ ନେଇ ଆସିପାରୁନ୍, ଆର୍ ଖାଉଟି ଆଇନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯୁକ୍ତିକେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଲେ, ଆର୍ କହିଲେ ଯେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେହେତୁ ପଇସା ଦେଇକରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କେ ଖାଉଟି ବୋଲି ଧରାଯିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋକ୍ତା ବୋଲି ଧରାଯିବା, ଆଉ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ର ଯେତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାନ ଅଛେ, ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଲାଭ ମାନେ ଅଛେ, ସେଟା ଯଦି ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛେ, ବା ସେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଯଦି ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ଼ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍, ତାହେଲେ
सेथिलागी से दोषी हेबे आ केसरीलाल केस के सुप्रीम कोर्ट विचार करी करी तार झियो बिहागर करवार लगी 51,000 टंका तार सहित केस परिचालना करवार खर्चा जेनटा हिचे 5,000 टंका आ तार क्षतिपूरण 10,000 टंका एंता करी कर से मन के सबु क्षतिपूरण देवार लगी निर्देश देले। तो ई आईन सुप्रीम कोर्ट जेते जजमेंट देले इटा गुटे आईन रो मान्यता पाइगला एबे सबु निर्माण श्रमिक माने जेन माने कि आर्थिक सहायता पाइबार लगी आवेदन करिछन आ से मान के जदि बिना कारण रे विलंब करा जाउछे बा सेवा जोगे देबार लगी वेलफेयर बोर्ड जदि विलंब करुछे बा खारज कर दउछे ताहेले निर्माण श्रमिक माने एबे खाउटी अदालत रे जाई करी राय परे आमर राज्य समस्त रजिस्ट्रीभुक्त निर्माण श्रमिक माने खाउटी सुरक्षा आईन 1986 धारा 2 हिसाब रे गोटे गोटे खाउटी गोटे गोटे उपभोक्ता आ से बोलरे से माने खाउटी अदालत रो आश्रय नहीं पारबे। जदि कौनसी निर्माण श्रमिक खाउटी अदालत की जीवार लगी हेले तार आईनगत प्रोसीजर तार प्रक्रिया काना आमर राज्य ने सबु जिला सदर महकुमा रे गोटे गोटे खाउटी अदालत अच्छे से खाउटी अदालत 5,00,000 टंका पर्यंत बिवादर समाधान करी पारे। जदि कौनसी निर्माण श्रमिक खाउटी अदालत के जीवा जदि निर्माण श्रमिक के कोठाबाड़ी निर्माण श्रमिक बोर्ड तरफ रु लेबर ऑफिस तरफ रु सेवा जदि जोगे देवारे अवहेला करुछन बा पर्याप्त सेवा नहीं जोगे देवा आर्थिक सहायता ठीक टाइम रे नहीं देवा ताहेले से माने खाउटी अदालत के जाई पारबे। सेवा भितरे आसुछे जेन जेन सुविधा कोठाबाड़ी निर्माण श्रमिक आईन रे अच्छे से आर्थिक सहायता जदि बिना कारण रे विलंब करा जाउछे बा तांकर आवेदन के खारज करा जाउछे कौनसी लोग फीस दी कर रिन्यूअल करवार लगी आवेदन करछे किंतु ठीक समय रे रिन्यूअल नहीं करवा इटा भी सेवार रे अवहेला करछे बोले दर्शा जाछे आउ से आईन खाउटी अदालत तार प्रतिकार होछे। जदि निर्माण श्रमिक के खाउटी अदालत के जीवार लगी हेले ताके कौनसी वकील रो सहायता नेबार बाध्य नुहे से कौनसी कोर्ट फी देवार लगी नहीं पड़े आवेदन के से डाक जोगे भी खाउटी अदालत रे फाइल करी पारबा किंतु श्रमिक मान के देखबार लगी पड़वा जते बेले से माने खाउटी अदालत के जाउछन ताहेले से माने तांकर निजर नाम ठिकना निर्माण श्रमिक रो रजिस्ट्रेशन नंबर आता सर्टिफिकेट रो कॉपी जेन आर्थिक सहायता लगी आवेदन करिछन तार गोटे कॉपी जदि रिन्यूअल लगी करिछन रिन्यूअल रो फीस देला तार रसीद ई सब नथिपत्र जेन जेनटा आवश्यक नथिपत्र संगे जदि आमे खाउटी अदालत रे फाइल करा जिवा बले खाउटी अदालत से आवेदन के ग्रहण करी करी ओडिशा कोठाबाड़ी निर्माण बोर्ड के नोटिस करी करी तार जवाब मांगसी लेबर ऑफिसर जवाब मांगसी तांकर जवाब निर्माण श्रमिक रो आवेदन ए दुईटा के विचार करी करी खाउटी अदालत आदेश देवा जदि निर्माण श्रमिक के सेवा जोगाबार लगी बोर्ड जदि अवहेला करुछे बा जदि विफल होछे बा बिना कारण रे खारज करछे ताहले निर्माण श्रमिक के सेटा जोगे देवार लगी खाउटी अदालत आदेश देवार तार क्षमता अछे। खाउटी अदालत जेन अदालत प्रक्रिया जेन खर्चा होछे से खर्चार भरपोषण भी तार खर्चार देवार लगी भी निर्देश देसन जेन केस लड़ला बोले जेन क्षति होछे खाउटीर से क्षतिपूरण भी खाउटी अदालत देवार तार क्षमता अछे। तो आमर जिल्ला रे आमर राज्य रे जेन जेन रजिस्ट्रीभुक्त निर्माण श्रमिक माने अछे आउ जेन माने आवेदन करिछन सेमानके जदि बोर्ड तरफ रु सहायता नहीं मिलवार सेवा नहीं मिलवार ताहेले एबे सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट परे परे सेमाने खाउटी अदालत के जाई पारबे। ए निर्माण श्रमिक बोर्ड रो जेन पैसाटा ए पैसा निर्माण श्रमिक मानकर जेन रजिस्ट्रेशन फीस रिन्यूअल फीस सेटा आउ सरकार निर्माण कार्य मान के जेन शेष आदाय करसी सेटा मिसी करी निर्माण श्रमिक मानकर कल्याण पांठि गठन करा जाइछे सेतिर लागि से पांठिर हकदार सब निर्माण श्रमिक माने वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट परे परे निर्माण श्रमिक माने तांकर न्यायिक उपचार पाई गोटे व्यवस्था हो गला से माने खाउटी अदालत के जाई पारबे
आईटा गोटे सशक्तकरण है ये श्रमिक मान सपक्ष आशा करूचे श्रमिक मान प्रति जदि सेवार देवारे जदि वेलफेयर बोर्ड अवहेला करूचे तेल निश्चित हिसाब से श्रमिक मान सुप्रीम कोर्टर राय हिसाब से न्याय प्रतिकार करें। नमस्कार।